माता पिता ने कन्यादान कर दिया, तुम्हें विदा कर दिया। माता पिता से प्रेम रखो, माता पिता जिंदा हैं तब तक मायके आओ मना नहीं है। आदर करो, सम्मान करो, उनके लिए तत्पर रहो, मना नहीं है। पर हर 15 दिन में, हर 2 दिन में, हर 8 दिन में ससुराल से दौड़कर मायके आ जाना, ये श्रेष्ठता हमारे यहाँ नहीं है। थोड़ा लग जाएगा बुरा, कई लोगों को लग सकता है बुरा। बाद में आप हमारा विरोध भी कर सकते हो इस चीज के लिए कि तुमने कैसे कह दिया कि माता पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। हम मना नहीं कर रहे, खूब जाओ। पर एक सीमितता, जब तक कुंवारे हो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जब तक तुम कुंवारे हो, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तब तक तुम तुम्हारे माता पिता के हो। और विवाह करने के बाद आप जब पति के साथ में विदाई लेकर चले गए हो ससुराल, तो आप पति की आज्ञा के अनुसार, घर के विचार विमर्श के अनुसार, घर की सोच के अनुसार, घर के विचार के अनुसार, हमें घर छोड़कर फिर अपने माता पिता के यहाँ जाना चाहिए। पर हर 2 दिन में, हर 15 दिन में श्रेष्ठता नहीं जानती। क्या होगा उससे, होगा क्या? बार बार मायके जाओगे, भैया भाभी एक बार तुम्हारी बात की कीमत करेंगे, शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप एक बार तुम्हारी बात की कीमत करेंगे, परिवार वाले एक बार बात की कीमत करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे। उसके बाद तुम्हारी बात की कीमत होना जब बंद हो जाएगी, तुम्हें पूछना जब बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे बात को कोई मानेगा नहीं, तो मन किसका दुखेगा? बोलो जरा जरा के बोलो। माता पिता का मन दुखेगा कि भाई बंधु का मन दुखेगा कि मित्र सखा का मन दुखेगा? किसी का नहीं। मन केवल तुम्हारा दुखेगा कि मैं मेरे मायके आई और मेरी बात नहीं मानी, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरे भतीजे ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी माता ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे पिता ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें क्रोध आएगा, क्रोध आएगा, तो तुम मायके में कोई संकल्प ले लो, आज के बाद मुझे आना ही नहीं। तो 10 एक बार जो निर्णय लेने वाली हो कि आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी, आज के बाद मैं तुम्हें कोई अकल नहीं दूंगी, आज के बाद तुम्हारे मामले में बोलूंगी नहीं, तो ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसलिए हर 8 दिन में तुम मायके जाओ मत, महीना 2 महीने में जाओगी, 4 महीने में जाओगी, आदर भी बनेगा, इज्जत भी बनेगी, सम्मान भी बनेगा। कई जमाई लोग अगर यहाँ बैठे होंगे तो आज बड़े खुश हो रहे होंगे, आज बड़े प्रसन्न चित्त हो रहे होंगे, गुरु जी ने हमारे पक्ष की कथा कर। पर हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि हमें ना जमाई से मतलब है, ना बेटी से मतलब है, हमें तो केवल आपका सम्मान, आपका इज्जत, आपका जो सम्मान है उससे मतलब है। अपनी वाणी का सम्मान होना चाहिए, अपनी वाणी का। रोज किसी के यहाँ जाओगे तो माता सती से भगवान शिव कह रहे हैं कि सती कहाँ रोज रोज जा रही है, अभी तो तू गई थी। माता सती जिस दिन से विवाह कर भगवान भोलेनाथ जी के साथ में आई हैं, उस दिन से माता सती भगवान शंकर का द्वार छोड़कर बार बार दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रही है। हर थोड़े दिन में माता सती पहुंच जाती हैं, हर थोड़े दिन में माता सती पहुंच रही हैं। भगवान शिव केवल माता सती को एक बार नहीं समझाए, भगवान शंकर ने माता सती को बारंबार समझाया, सती मत जाओ, सती मत जाओ, हर बार भगवान शंकर समझाते हैं। पर सती तो सती थी, जिद अड़ी थी, क्यों? क्योंकि राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी, कोई साधारण।
कई बार जिद हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या खड़ी होती है? जिद। ये अदालत में जितने तलाक के केस चल रहे हैं ना, अदालत में जितने भी तलाक के केस चल रहे हैं और जितने भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, आधे से ज्यादा केस केवल 24 घंटे में समाप्त हो जाए अगर आप राजीनामा करना सीख लो तो। राजीनामा कब होता है? जब कोई अपने जिद को छोड़ देता है। जब तक जिद पर अड़े रहो। घर के लोगों ने कह दिया, तू टेंशन मत ले बेटा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको तो ऐसा मजा चखाएंगे, इसको तो ऐसा मजा चखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। लड़के वाले कहते तुम चिंता मत करो, इसको ऐसा मजा चखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। सब चित्र छोरा वाला कह रहा है हम इसको मजा चखा देंगे, छोरी वाले कह रहे हैं हम इसको मजा चखा देंगे, पर ये नहीं समझ रहे कि तुम्हारे शादी हुई, शादी के 4 साल बाद तुम अदालत पहुंच गए। अरे जरा विचार करो, 28 साल में, 29 साल में, 25 साल में, 22 साल में तुम्हारी शादी हुई है और 5 साल तुम अदालत का। भोलेनाथ दया करना, बन गया मैं तेरे भरोसे।